एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। जब भी हम किसी को कॉल करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपकी कॉल जो रिकॉर्ड आप करने के लिए जाते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि भाई आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड, ये इस तरीके का आपको अनाउंसमेंट सुनाई देता है आपको भी और उसको भी। तो क्या हो जाता है ना, कई बार ऐसे कुछ क्रिटिकल इशू हो जाते हैं या फिर ऐसे कुछ क्रिटिकल कॉल्स रहती है जिनको हमको रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। बट ऐसा अगर हो जाता है तो भी सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा, तो बहुत सारे केसेस के अंदर हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट गूगल के नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके मोबाइल के अंदर, चाहे आप किसी भी कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे हो, तो आपके मोबाइल के अंदर गूगल का ही डायलर आएगा। और गूगल का डायलर आना मतलब कॉल अनाउंसमेंट सुनाई देगा, मतलब देगा। तो इसको आप किस तरीके से टैकल कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं, इसके लिए देखो मैं आपको कुछ दो तीन मेथड बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आपके पास में एक ओप्पो या फिर वन प्लस का अगर फोन है तो इसके लिए सिंपली आपको एक काम करना है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और यहां पर आपको सर्च बार के अंदर टाइप करना है ओ डायलर। तो यहां पर ओ लिखना है और डायलर लिखना है। जैसे आप ओ डायलर लिखेंगे तो यहां पर आपको एक डायलर देखने को मिल जाएगा जो कि उस कंपनी के कंपेटेबल रहेगा, ओ डॉलर ओ डायलर। तो देखो यहां पर मुझे नहीं दिख रहा, बट आप उसके अंदर अगर जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ओ डायलर। तो आपको सिंपली ओ डायलर को इंस्टॉल करना है और अपने गूगल डायलर को अनइंस्टॉल करना है, या फिर ओ डायलर को आप डिफॉल्ट डायलर के रूप में सेट कर लो। उसके बाद आप जो भी कॉल करेंगे उसी से जाएंगे और जो भी आप कॉल को रिकॉर्ड करेंगे वो उसी से रिकॉर्ड होंगी। ये तो होगी ये चीज। अब दूसरे केसेस के अंदर जिन लोगों के पास में वीवो या फिर आईक्यू के मोबाइल है वो लोग क्या करेंगे, तो भाई उन लोगों के लिए आता है एक कोड। तो देखो यहां पर मैं आपको एक कोड दे रहा हूं, आपको सिंपली इस कोड को एंटर करना है, *#*8855566, आई थिंक यही वाला वो कोड है। तो आपको जो यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर शो हो जाएगा, आपको सिंपली इस कोड को एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर अब आपको अपना डायलर चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपना गूगल डायलर चेंज करके अपने मोबाइल का फिक्स डायलर चूज कर लेना है। जैसे आप उसको चूज करेंगे उसके बाद आपकी जो भी आप कॉल को रिकॉर्ड करेंगे उसका अनाउंसमेंट सामने वाले को भी सुनाई नहीं देगा। तो ये काफी बढ़िया चीज है। बट देखो यहाँ पर अगर आप एक रेडमी यूजर है तो भाई डायरेक्टली आपके पास कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, आपको ये बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। जो रेडमी का जो ये वाला जो डायलर है जो मेरे पास मैं यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर एक खास बात है, यहाँ पर आप किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड करो वो अनाउंसमेंट नहीं जाती है और यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डायलर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई रेडमी वालों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो लोग ट्रू कॉलर को यूज करते हैं तो भाई ट्रू कॉलर के अंदर भी एक जो नई पॉलिसी जो इसने गूगल ने लाया था उसके तहत कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर प्रोवाइड नहीं कर सकती है। इनकेस अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर प्रोवाइड करती है तो उसको प्ले स्टोर के ऊपर नहीं रखा जाएगा, प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। मतलब कि अब आप कॉल रिकॉर्डिंग ट्रू कॉलर से भी नहीं कर सकते हैं। तो अब हम किस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे, तो इसके लिए देखो सिंपली आपको अपने प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और यहां पर आपको सर्च करना है TTSL। जैसे आप इतना सर्च करेंगे आपको ये वाला एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा जिसका येलो कलर के अंदर लोगो बना हुआ है, TTSLEXX। तो सिंपली आपको इसको इंस्टॉल करना है, देन ओके करना है। ओपन आप जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिफर्ड इंजन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी स्पीच सर्विस बाय गूगल के ऊपर सेव रहेगा, तो आपको इसको TTSL पर कर लेना है। अगर ये यहां से होता है तो ठीक है, वरना आपको एक काम करना है, सिंपली आपको चले जाना है अपने सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर। यहां पर आपको सर्च करना है टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच, और यहां पर इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, तो यहाँ पर जस्ट आप क्लिक करेंगे उसके बाद वही वाला ऐप आपका ओपन हो जाएगा जो कि TTSLEXX वाला है। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके TTSL के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इसको बैक करना है। लैंग्वेज वाले ऑप्शन के ऊपर भी आपको कुछ भी नहीं करना है, स्पीच रेट वगैरह कुछ भी नहीं करना है। अब आपको इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद अब आपका जो डायलर ऑलरेडी आपके मोबाइल के अंदर है गूगल डायलर, सिंपली आपको उसको लॉन्ग प्रेस करना है, ऐप इन्फो के अंदर जाना है और यहाँ पर क्लियर डेटा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने डायलर का पूरा डेटा कैच भी क्लियर करना है और डेटा भी क्लियर करना है। तो एक चीज आप ध्यान में रखना, यहाँ पर आपकी पूरी चैट हिस्ट्री भी डिलीट हो सकती है, तो आप उसका बैकअप जरूर बना लेना।
इतना आप जैसे करेंगे उसके बाद जैसे आप कॉल करते हैं किसी को तो वहां पर एक बार उसको सुनाई देगा कि भाई आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट सेकंड टाइम बिल्कुल भी उसको सुनाई नहीं देगा कि आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो भाई इस तरीके से ये सारे जो तरीके मैंने आपको बता दिए किस तरीके से आप किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको पता नहीं चलेगा और उसको वो अनाउंसमेंट भी सुनाई नहीं देगा। तो ये थे कुछ जेन्युइन मेथड जो कि इसको आप यूज कर सकते हैं, जेन्युइन तरीके से ऑफिशियल मेथड है। अब इसके अलावा भी अगर आपको अगर प्रॉब्लम जाता है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इनमें से कौन कौन तरीके आप कौन कौन से तरीके आपने आजमाए और कौन कौन से तरीके आप लोगों के लिए काम के थे, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना। ये वीडियो आपको बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अगर किसी की कॉल को रिकॉर्ड करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।